गाजियाबाद में व्यापारी की धर्मपत्नी और उसके बेटी को बदमाशों के द्वारा बंधक बनाकर एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। यह सनसनीखेज वारदात गाजियाबाद के बीचों बीच हुई है। ताजा मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के नेहरू नगर तृतीय का है, जिसमें कारोबारी की पत्नी बेटी को बंधक बनाकर हथियार बंद तीन बदमाशों ने घर में डाली दिन दहाड़े डकैती। डकैती का विरोध करने पर व्यापारी की पत्नी और बेटी को गोली मारने की धमकी देकर 15 लाख के जेवर और 5 लाख रुपए कैश लूट कर ले गए बदमाश। विरोध करने पर फैक्ट्री संचालक की पत्नी को बदमाशों द्वारा लहूलुहान कर घायल किया गया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी एंगल से जांच कर रही है। वहीं डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर है। मौके पर पहुंचे गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज ने एसपी सिटी निपुण अग्रवाल के नेतृत्व में 5 टीम गठित करके जल्द ही बदमाशों को पकड़ने की बात कही है। गाजियाबाद से क्राइम रिपोर्टर सद्दाम हुसैन की खास रिपोर्ट। की सूचना थाना चाणी गेट अंतर्गत नेहरू नगर क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 3:15 बजे के आसपास एक घर पे हाउस रॉबरी हुई थी। सूचना मिली थी, तुरंत पुलिस मौके पर आया। आने के बाद पुलिस ने पूरा छानबीन किया है और घटनाक्रम ऐसे पता चला है, दो मोटरसाइकिल में दो लड़के हैं और उस पर एक लड़का नीचे खड़ा हो गया था, 3 लड़के ऊपर गया है। वो अंदर फर्स्ट फ्लोर में माँ और बेटी घर का अंदर था, उन्होंने घंटी बजाया और उसके बाद उन्होंने दरवाजे खोला। उन्होंने ये बताया था आपका पति रमन सर ने कुछ चेकबुक दिया है उसका आप देना। उसके बाद उन्होंने उनका डाउट लगा, उन्होंने कोशिश किया रुकने के लिए, फिर उन लोगों ने फोर्सफुली अंदर एंट्री कर लिया। एंट्री करने के बाद उनके साथ धक्का मुक्की किया है और उनका धमकाया और उसके बाद उनका हाथ पर बांध दिया, उन लोगों ने हाथ बांध दिया था, माँ और बेटी का हाथ बांध दिया था। और उसके बाद उनका दो कमरा के अंदर जो भी सामान वगैरह तलाश लिया है, तलाश में उन्होंने जो वारिक का कहने के अनुसार 5 लाख रुपया कैश और 15 लाख रुपये से ज्वेल्स उन्होंने लूट के गया। इस तरह सूचना मिल रहा है, प्रथम सूचना हमने तुरंत हम भी मौके पर आया, पूरा घटनास्थल का निरीक्षण कराया, हमने टीम गठित कर दिया, लगभग 4 टीम गठित कर दिया। एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच टीम, हमारा स्वाट टीम भी काम करेगी और साथ साथ थाना एसपी सिटी का क्राइम टीम और थाना का टीम भी काम करेगी। हम लगातार अभी हम पूरा चेकिंग आदेश कर दिया जनपद में, जो भी संदिग्ध उड़िया है उसका अनुसार पूरा जनपद में चेकिंग आदेश करा दिया और सीसीटीवी फुटेज का हम ट्रैक करवा रहे हैं हम लोग और जल्द से जल्द केस का खुलासा करेंगे। सर परिवार के साथ पिटाई का भी मामला आया है? परिवार में उन्होंने जो फोर्सफुली एंट्री किया था उसमें उनके साथ धक्का मुक्की हो, उसी की वजह से उनका हल्की सी चोट लगी है, बाकी वैसे कोई घटना उनके साथ नहीं है। वैसे उसके मेडिकल कर रहा हूँ, उसके चोट की इंजरी का आधार पर एफआईआर में हम दर्ज करेंगे, उसके घटना के चोट का भी एफआईआर में इंक्लूड करेंगे और उसका सख्ती से हम लोग उसका लूट में एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई करेंगे। कितना सामान गया सर कुछ? वो तो परिवार लोग कह रहा, अभी वर्तमान में 5 लाख के आसपास कैश और 15 लाख के आसपास ज्वेल्स बता रहा। कितने लोग थे सर ये? उस पर ऊपर तो कमरा के अंदर 3 लोग है, एक आदमी मोटरसाइकिल में नीचे था, एक आदमी नीचे।